जुड़ गए। इस कैंपेन के बारे में लीना भी बात करेंगी, इसलिए मैं डाटा पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये कि हमारा अपना जो कैलकुलेशन है वो तकरीबन 15 लाख लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से ये कैंपेन पहुंचा है, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, जिन्होंने देखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रीच की हम बात कर रहे हैं, व्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो मैं अपने सभी साथियों को यहाँ पे और आप सबको मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ कि ये एक जश्न था प्रतिरोध का, जिसने जो सत्ता में बैठी है सरकारें उनको मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौती दी है। एंड आई लिटरली टेक इट एज अ फेस्टिवल ऑफ रेजिस्टेंस एंड विच इज चैलेंजिंग द अथॉरिटेरियन फोर्सेस एट द सेंटर। इट वाज अ फेस्टिवल एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल फेस्टिवल। थैंक यू। एक्चुअली उधर से ही शुरू करते हैं जहाँ शबनम ने छोड़ा था। तो ये बेसिकली अगर हम देखें कि कुछ कुछ वुमेन्स नेटवर्क इसके अंदर 28 स्टेट्स के अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, ना केवल फिजिकल प्रोटेस्ट किए हैं बट मीटिंग्स किए हैं, जूम मीटिंग्स किए हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा किया है। उसी ढंग से कुछ कुछ स्टेट्स के बारे में बात करें तो जैसे महाराष्ट्र का एक स्टेट अगर हम मान के चले तो उनका जो वर्किंग ग्रुप बना है इस पूरे मुहिम को लेकर, उसमें 109 ऑर्गेनाइजेशन थे अक्रॉस महाराष्ट्र, और उनको ऐसा लग रहा था कि ये अपने में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा। गोवा जो एक बहुत छोटा, मैं महाराष्ट्र पहले बता रही थी क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है, गोवा एक छोटा सा राज्य है जिसके अंदर सोचते हैं कि बहुत कम एक्टिविज्म है, बट वहाँ पर भी अराउंड 37 ऑर्गेनाइजेशन वर टुगेदर।